दोस्तों आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुवैत खबर YouTube चैनल पे। साथियों आज की वीडियो में खबर जो शुरुआत करूंगा ये इंडिया को लेकर है। भाइयों आप लोग पता होगा कि अभी इंडिपेंडेंस डे यानी 15th ऑफ अगस्त आने वाला है। इसको लेकर इंडियन कम्युनिटी की तरफ से कुवैत में जो मौजूद है कुछ प्रतियोगिता का अनाउंसमेंट किया गया है, खास तौर पे बच्चों के लिए, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन या बेस्ट आर्टिकल कंपटीशन, इस तरह का कंपटीशन को आयोजन किया गया है। तो यदि आपके घर में कोई बच्चा वगैरह है कुवैत में है तो आप इसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डोम्स इंडिपेंडेंस बेस्ट आर्टिकल बेस्ट ड्राइंग कॉन्टेस्ट स्कूल स्टूडेंट, जितने भी स्कूल स्टूडेंट हैं चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुकात रखते हैं वो इस कंपटीशन में इसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें अच्छा प्राइज जीतने का आप लोगों को मौका मिल सकता है आपके बच्चों को। जैसा कि पूरा खबरों को दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, आपके घर में बच्चे हैं तो उसे पार्टिसिपेट करवाइए। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही है वो भी बहुत ही बड़ी खबर है। भाइयों आप लोग जानते होंगे कि कुवैत में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट करवाया जा रहा है, यानी सभी को अपना फिंगर थंबनेल देना पड़ रहा है ताकि किसी हर चीज को रोका जा सके, कोई भी क्राइम को रोका जा सके। तो ये काफी दिनों से चल रहा था और इसमें लास्ट डेट बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा था, तो कुवैत की तरफ से एक फाइनली डिटेल दी गई है कि कितने लोगों का अब तक वहां पे फिंगरप्रिंट यानी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट हुआ है। तो खबरों को यहां पे देख सकते हैं, नियरली 2.5 मिलियन कंप्लीटेड द बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, यानी लगभग 25 लाख से भी ज्यादा लोगों का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वहां पे करवाया जा चुका है, जिसका कंप्लीट हो चुका है। उनमें से प्रवासी भी हैं और कुवैती नागरिक भी हैं। दोस्तों जो प्रवासी जो हैं उसमें लगभग 28.5% है और 22.5% इसमें लगभग 28.5% प्रवासियों का कंप्लीट हो चुका है, अब 22.5% कुवैतियों का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट कंप्लीट हो चुका है। तो ये डाटा फिलहाल दोस्तों दे दिया गया है और इसकी लास्ट डेट दी गई है 30 दिसंबर 2024। उसके बाद यदि आप लोग नहीं करवाते हो तो आप पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर में आपको पैसे ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत होगा और भी बहुत तरह का दिक्कत आपको हो सकता है। अगली जो अपडेट आ रही है, मिनिस्ट्री इंस्पेक्ट सुवैग बीच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। साथियों यदि आप सुवैग बीच के बारे में आप लोगों ने सुना होगा या फिर आप लोग गए होंगे तो आप लोग इसके बारे में जानते हो, वहां पे बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ताकि टूरिस्टों को उस जगह में अट्रैक्शन बढ़ सके। तो वहां पे प्रोजेक्ट का काम जो है वो कितना कंप्लीट हुआ, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, इसकी एक चेकिंग अभियान चलाई गई थी, जिसमें प्रोजेक्ट इंक्लूड स्पोर्ट, जिसमें आपको वहां पे स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड बनाया जा रहा है, इंटरटेनिंग प्लेस बनाया जा रहा है, ग्रीनरी एरिया बनाया जा रहा है, एटीएम मशीन, आईटीएम बीचेस बनाया जा रहा है और वहां पे वुड ऑफ सी गोज और पार्क वगैरह भी बनाया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री के जो हेड हैं, जैसा कि व्हाइट कलर में दोस्तों आप देख सकते हैं, ये लोग जो है वो चेकिंग अभियान में कल के दिन गए हुए थे जैसा कि आप देख सकते हो, और वो मतलब निरीक्षण कर रहे कि काम कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो कुवैत में लगातार दोस्तों ये सब चीजें जो है वो चलती रहती हैं ताकि काम बिल्कुल भी ना रुके। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कुवैत से आ रही थी। किसी तरह का मन में सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।